गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? और बताइए, आज टीचर डे को क्या हो रहा है? आज टीचर डे को हमारे यहाँ कुछ बच्चे टीचर बने हैं और हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, चलिए। तो उन बच्चों से आप क्या सीखोगे आज के दिन? क्या आज के दिन आपके क्लास के अंदर कोई टीचर नहीं आएगा? तो मतलब सारी क्लासें आज उनके ऊपर ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब दिख रहा है? तो कैसे हो आप सब? चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे भी अच्छा लगा, आप बढ़िया हैं। बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, और कुछ ना कुछ जो मेरे पास है मैं वो सिखाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जितना है उतना ही बताने की कोशिश करूँगा। बाकी सबकी फैमिली होती है, सबकी लाइफ होती है, अब सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती है, तो कहीं ना कहीं हम उनको भी लेके साथ में चलते हैं, क्योंकि सबकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही चलती है जैसा हम समझते हैं। चलिए, तो हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग सबको। और बताइए कैसे हैं? एक बार फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आई, जरा जोर से। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आज आपके स्कूल में रोहित आर्ट्स आए हुए हैं आप लोगों से मिलने के लिए? एक बार दोबारा बोलो। कल मैंने इनको देखा था, ये एक रिमोट वाली कार वगैरह लेकर घूम रहे थे रोड पे, और उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, और ये दोस्त से बैटरी लेने के लिए जा रहे थे, ऐसा था। बट मैं पूछता इतने में ये निकल चुके थे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? मोटर चेंज करने गए थे गाड़ी का, पता लगा इनका भी मोटर खराब हो गया। चलिए, आप लोग बातें कीजिए, जब हम और भी बच्चों से मिलते हैं। ठीक है, हेलो। बहुत से बच्चे क्या? अभी भी देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, है ना? पता। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। आप तो पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं बता दूँ, मेरा नाम है रोहित आर्ट। रोहित आर्ट के नाम से मैं जानते हैं और देखते हैं, और मतलब जो बच्चे अच्छे वाले हैं, जो प्यारे वाले बच्चे की कोई देख रहे हैं और कोई नहीं देखता, जो वैसे वाले बच्चे हैं वो नहीं देखता, जो अच्छे वाले बच्चे जो कुछ सीखते समझते हैं और सीखना चाहते हैं वही बच्चे देखते हैं। तो आपने कहीं कहीं कुछ वगैरह पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई देखी होगी, कहीं कहीं पार्कों में, कहीं कहीं सभी बच्चों को पता है कि पेंटिंग, आर्ट, स्केटिंग, एक्टिवा, साइकिलिंग, ये सब हम करते भी और सिखाते हैं जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसी को, ना कि उसको को हमारे बच्चों को वही चीज करनी चाहिए जो ज्यादा समझ में आए, और जो समझ में आए उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको समझने में बहुत सारा टाइम लगा, वो कभी समझ में नहीं आता। मैं बचपन में जब छोटा हुआ करता था, सब होते हैं, तब मुझे मैथ समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो हमारे अच्छे अच्छे टीचरों ने हमें बड़े स्कूलों में भेजा, लेकिन बता दे कि वहाँ